हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक भाई ने कमेंट किया था कि बिना ब्लेंडिंग स्टेम यूज़ किए या फिर बिना ब्लेंडिंग करे कोई ड्राइंग को बना के दिखाओ। सो इस वीडियो में मैं बिना ब्लेंडिंग करे एक ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, एंड ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बिना ब्लेंडिंग करे कोई ड्राइंग को बना रहा हूँ। एंड इसमें मैं एक बच्चे के ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि उसका फेस एकदम स्मूथ होता है, एंड मैं बिना ब्लेंडिंग करे स्मूथ फेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमेशा की तरह आई को ड्रॉ कर लेते हैं। आई को ड्रॉ करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, एंड अंदर के एरिया को डार्क करने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ करूँगा। एंड अभी ये ड्राइंग मैं बना रहा हूँ बिना ब्लेंडिंग करे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी ड्राइंग को ब्लेंड करके दिखाऊँगा। एंड बहुत लोग सोचते हैं कि बिना ब्लेंड की स्मूथ ड्राइंग बनी नहीं सकती। सो आपको दिखा रहा हूँ कि बिना ब्लेंड की भी मैं स्मूथ ड्राइंग बना पा रहा हूँ, एंड मैं ये फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये कर पाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि शेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं अभी तक इतने सारे स्केच बनाते आया हूँ। तो मुझे आइडिया कि शेड कैसे करना है, मतलब आइडिया कि शेडिंग कैसे करना है कि मुझे ब्लेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। जब मुझे ब्लेंड करना होता है तो मैं थोड़ी दूर दूर शेडिंग करता हूँ, थोड़ी रफ रफ शेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैं ब्लेंड करके उसे मिक्स कर देता तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता। लेकिन अभी मुझे ब्लेंड नहीं करना है तो मैं शेडिंग एकदम पास पास करूँगा, और हल्के हाथों से पास पास शेड कर रहा हूँ मैं, ताकि बाद में ब्लेंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, वहाँ पर वहाँ पर आप डार्क पेंसिल यूज़ करना, पिक को ऑब्जर्व करके अच्छे से। अगर आपको इसकी स्लो वीडियो चाहिए रहेगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं स्लो वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। सो लगभग इतना ड्रॉ हो चुका है, अब बाकी भी इसी मेथड से ड्रॉ कर लेते हैं। एकदम हल्के हाथों से स्लोली स्लोली ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल एंड 4B पेंसिल का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो डार्क एरिया है वहाँ पे मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट। और आप मेरे हैंड को भी देख सकते हो कि मैं किस टाइप से पेंसिल पकड़ रहा हूँ। एंड मैंने बेबी का फेस इसलिए चूज़ किया है क्योंकि वो पहले से स्मूथ रहता है, सो उसमें ब्लेंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं किसी बड़े का फेस चूज़ करता तो पहले से ही उसमें लाइनिंग वगैरह रहती है, सो कुछ समझ में नहीं आता। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि उसमें मैं ब्लेंड करके दिखाऊँगा एंड डिफरेंस दिखाऊँगा कि इसमें एंड उसमें ब्लेंड में क्या डिफरेंस है। सो फेस लगभग ड्रॉ हो चुका है, एंड देख सकते हो आपकी किस टाइप से शेडिंग हुआ है। एंड इसमें मेन फेस को ही दिखाना था तो उसकी मैं थोड़ी वीडियो स्लो किया था, एंड अब बाकी एरिया के लिए मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मैं आजकल मैं अपलोड कर दूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।